नमस्कार साथियों न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं पत्रकारिता अपनी जमीनी पत्रकार के लिए जानी जाती है वह पत्रकार जो जगहों पर जाता है उसको सूंघता है और आम जनमानस में जो आम धारणाएं बनती हैं उसको तोड़ता है ज़मीन की और ज़मीन की हकीकतों की ऐसी व्याख्या करता है तो गुजरात से न्यूज क्लिक की स्टेट कॉरस्पोंडेंट दमयंती धर हमारे साथ हैं तो हम बात करेंगे गुजरात के बारे में उनसे पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को छोड़कर सब लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं कहते हैं कि यही मॉडल है जिससे विकास होगा औद्योगिकरण की उसकी बात करते हैं शहरीकरण की बात करते हैं और इसी मॉडल को थोपते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस तरह से विकास करे तो विकास की ओर आगे बढ़ेगा लेकिन ये तो आम लोगों की राय है जनमानस की राय है लेकिन वहाँ की जमीनी हकीकतें क्या हैं इसके बारे में आप कुछ ये समझने की जरूरत है इसमें कि गुजरात हिस्टोरिकली कभी भी एग्रो डिपेंडेंट कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा है और ये एक स्टेट पॉलिसी के के तहत भले वो कांग्रेस हो या अभी भाजपा जो पिछले 22 सालों से वहाँ पे रूलिंग पार्टी रही है ये एक स्टेट पॉलिसी ही सोची समझी स्टेट पॉलिसी रहा है टू प्रोमोट अग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम साठ के दशक से 1960 के दशक से और अग्रे, अग्रे, अग्रेरियन जो इश्यूज़ है अग्रेरियन एग्रीकल्चर सेकेंडरी रहा है गुजरात में तो इसके इसी सिलसिले में बो, बोलते हुए 1960 में जो एस ई जी जी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एशिया का पहला गुजरात में आया था 1960 की की बात कर रही हूँ इतनी पुरानी है फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा जो सेक्टर है वो आया था जिसकी वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट उस जमाने में कहा जाता था जो जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है एक अहमदाबाद के मिडिल क्लास को डेवलप करने में वर्किंग क्लास को तीसरा जैसे ओ की सबसे बड़ी ऑफ यूनिट वो उस समय ही गुजरात में आ चुकी थी फिर चौथा एक जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है जी गुजरात मॉडल के तहत गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक सेग्रीगेटेड एरिया में ज़मीनें दी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को उस पर बाकायदा फैक्ट्रीज इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए तो ये ये जो कॉन्ट्राडिक्शन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का ये यहाँ से शुरू होता है ज़मीन से कि ये ज़मीन कौन सी दी जा रही है गुजरात में एज चीप एज कितनी सस्ती मतलब कांग्रेस के जमाने में सबसे कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर व्यू कि बीजेपी शायद ये गुजरात मॉडल में बीजेपी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डिंग है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर व्यू कांग्रेस के जमाने में सबसे सस्ती जमीन गई है अडानी को नब्बे पैसा पर स्क्वायर मीटर और सबसे कीमती जमीन अगर अडानी ने खरीदी है वो है छब्बीस रुपए स्क्वायर मीटर जो बहुत पुरानी नहीं है नब्बे की दशक की है ये साठ से नब्बे की दशक की ये डेवलप नब्बे पैसे से छबीस रुपए में अडानी ने सिर्फ खरीदी है अडानी की बात मैं इसलिए स्पेशली ले रही हूँ क्योंकि पैरेलली एक ही समय में जहां अडानी ने छब्बीस रुपए पर स्क्वायर मीटर लिया है वहीं दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे टाटा यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी जैसे नैनो जो है शिंगूर मूवमेंट के बाद वेस्ट बंगाल से सानंद जो सेंट्रल गुजरात के जीआईडीसी क्षेत्र में अभी फ्लॉप होके अभी बंद पड़ गया जो उसका करंट स्टेटस है बट जब वो आया था काफ़ी हाइप होके उस समय 126 से डेढ़ सौ की स्क्वायर मीटर ज़मीन टाटा ने ली थी तो ये जो प्राइसेस है इसमें भी समझने की ज़रूरत यह है कि जो फेवरेबल प्राइस अडानी को मिला और अडानी के बाद रिलायंस को मिला जो ऑल्सो नब्बे रुपये सौ रुपये इस टाइप इस रेंज में ये रुइया टाटा या आदित्य बिरला इन लोगों को नहीं मिला ये एक डिस्पैरिटी समझने की जरूरत है दूसरा कि जमीन अधिग्रहण किस तरह से होता है हम्म हम्म नहीं इससे पहले इस पर इस मुद्दे पर आने से पहले आपने जो बात की कि बहुत ही मामूली रुपयों में जमीनें बेच दी गई यानी कि सरकारों ने एक ऐसे माइंडसेट से काम किया कि जमीनें हम उद्योगपतियों को देंगे और वो विकास करेंगे और विकास करेंगी शहरीकरण होगा और लाभ होगा जनता तक पहुंचेगा लेकिन अगर इस पूरे विकास के मॉडल को देखें और आप जमीन पर भी होंगी तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा विकास इक्विटेबल मैनर में समान मैनर में पूरी जनता में गया है कि अगर उसने बहुत ज्यादा ऐसी मॉडल कहा जाता है कि असमानताएं पैदा करती हैं बहुत गहरे स्तर पे केवल शहरों में ही विकास दिखता है आप जैसे शहर छोड़कर बाहर निकलते हैं वो विकास गायब नजर आता है इस पर यह बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है जस्ट लाइक एनी अग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो साइड इफेक्ट होता है गुजरात में भी इसका जो एक बाई प्रोडक्ट अगर हम कहें अग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बाई प्रोडक्ट है अग्रेसिव इंक्रीजिंगली अर्बनाइजेशन मतलब शहरी विस्तार का एरिया बढ़ते जाना चारों तरफ से तो ये हुआ है जिसमें दो तीन फैक्टर में एक है गांव से शहर में माइग्रेशन तो वो क्यों होता है इसमें भी एक अग्रेरियन क्राइसिस छुपा हुआ है अगर आप टेक्सटाइल में ज, आ, इंडस्ट्री देखेंगे गुजरात का जो मूलतः साउथ गुजरात में है या डायमंड पॉलिशिंग यूनिट जो डायमंड इंडस्ट्री है जो मूलतः फिर भी अगेन साउथ गुजरात में है तो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से एग्जांपल डायमंड इंडस्ट्री तो डायमंड इंडस्ट्री में जो लेबरर वर्ग हैं जिनकी वजह से ये अर्बन विस्तार क्षेत्र बढ़ा है मतलब अगर आप शहर शहर से बाहर जाते जाएंगे तो वो घेटो मिलेंगे आपको ज़्यादातर लेबरर्स के वर्कर्स के घेटो ये लोग माइग्रेटेड वर्कर्स हैं तो ये लोग शहरी क्षेत्र में क्यों आए हैं एम्प्लॉयमेंट की खोज में रोजगार की रोजी रोटी की खोज में वो क्यों मजबूर होना पड़ा उनको शहर की तरफ भागने में क्योंकि गांव में उनकी एक जमीन है छोटी सी जिनकी या तो बिल्कुल कमाई बंद हो गई है सूखे सिंचाई की पानी नहीं होने के वजह से या फिर इनकम हो रही है लेकिन वो काफ़ी नहीं है तो मूलतः डायमंड इंडस्ट्री में दो जिले हैं एक अमरेली और एक भावनगर दो सौराष्ट्र के ज़िले हैं अगर आप किसी भी ख़ासकर आठ महीने की जो लंबी गर्मी का मौसम है गुजरात की ये भी एक क्लाइमेटिक फीचर है कि गर्मी जो है वो मूल लगभग मिला जुला के एवरेज देखो तो सात से आठ महीने की होती है बरसात बहुत कम होता है ये भी एक वजह है अग्रेरियन क्राइसिस की बट इसको सॉल्व करने के लिए अग्रे, अग्रेरियन इरिगेशन पे फोकस ना करते हुए फोकस कंप्लीटली इंडस्ट्रियल पे किया गया है वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जनरे जनरेट करने की कोशिश की गई है बेसिकली अगर सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये है गुजरात मॉडल तो यही आप जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्री के लिए जमीनों की जरूरत पड़ी होगी तो हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री इंडस्ट्री पे दबाव दिया जा रहा है तो जमीनों से जुड़े जो कानून होंगे भूमि अधिग्रहण कानून जैसे उसमें आपको लगता है कहा जाता है कि राज्य अपनी मर्जी से बदल सकते हैं तो क्या कुछ बदला हुआ हो गुजरात में डायलूशन ऑफ of... लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 hmm. हजार तेरह पे जमीन गई है hmm. एग्जाम्पल जैसे जो फ्रेट कॉरिडोर बना है जो बॉम्बे वडोदरा और सेंट्रल गुजरात और बॉम्बे को जोड़ती है जो पहले दो लेन था फिर चार लेन बनी फिर छह लेन बनी तो ये कैसे बनी गांव पे गांव जमीन पे जमीन अधिग्रहण होती गई और उस अधिग्रहण में कभी भी किसानों या बाकी जो किसान नहीं है बाकी के लैंड ओनर है जिनके घर है जिनके घर के बीचों बीच जमीन चली गई है रोड चली गई है घर तोड़ दिए गए हैं तो इनका सहमति नहीं था मतलब वो सारे प्रावधान जो बहुत हाँ, जरूरी थे संतुलन बिठाने के लिए वो पूरे हटा दिए तो दो हजार सोलह में गुजरात असेंबली ने एक बजट सेशन में एक लंच ब्रेक में कांग्रेस जो उस समय ऑपोजिशन थी बीजेपी रूलिंग थी कांग्रेस के प्रेजेंस ऑपोजिशन के प्रेजेंस के एब्सेंस में ऑपोजिशन नहीं था लंच ब्रेक में पूर्ण सम्मति से ये एक गुजरात क्लॉज हम बोलते हैं कंप्लीटली डायलूटिंग दू थाउजेंड थर्टीन लैंड एकविजेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट देअर बाई सोशल और इकोनॉमिक जो पब्लिक मीटिंग है असेसमेंट का क्लॉज ही कंप्लीटली हटा दिया रिहेबिलिटेशन के क्लॉज भी कंप्लीटली हटा दिया तो अब जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट एज एन एंटिटी को खुला छूट है आप जाइए आप जमीन चूज कीजिए ले लीजिए अब ये इतना सिंपल प्रोसेस है गुजरात में मॉडल वाले राज्य की ये बात है कि जहाँ पर कानून को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं तो मॉडल पे एक बात और उठती है कि भाई जब इसे मॉडल ही हम कह रहे हैं तो उसकी राज्य की मशीनरी उसका प्रशासनिक आला कमान वहाँ की पंचायतें वहाँ के और राज्य के भी जो भी आला कमान होते होंगे ये आखिरकार पुलिस फोर्स ये सारी चीज़ें गुजरात में कैसे काम करती हैं आपने तो जमीनों पे बहुत देखा होगा इन सारी चीज़ों को तो स्टेट मशीनरी की बात करें तो सबसे पहले पुलिस की बात करते हैं भुज जिले में सिर्फ भुज जिले में और भुज की खासियत यह है कि 70 से अस्सी अस्सी प्रतिशत वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और एक मजेदार बात पॉलिटिकली ये है कि वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है एक और मजेदार बात यह है कि 2001 में वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था जिसके वजह से जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे भुज में दंगे नहीं हुए थे क्योंकि दो में वो भुज का एरिया पूरा मतलब ध्वस्त था और हिंदू मुस्लिम सारे ग्रुप्स एक साथ रिहेबिलिटेशन में जुटे थे तो राइट्स होने की स्थिति नहीं थी तो वो पोलराइजेशन जो बाकी गुजरात में राइट्स पोस्ट 2002 हुआ भुज में नहीं हो पाया एज अ रिजल्ट ये पुलिस की बात कर रहे हो अभी मैं उस आपके प्रश्न पे वापस आऊंगी नजीब का रेफरेंस इसलिए दिया अगर मैं आपसे कहूं कि ये पिछले पिछले पच्चीस सालों में सबसे पुराना केस पच्चीस साल पुराना है मुस्लिम लड़के मुस्लिम मैन ओवरनाइट गायब हो जाते हैं रातों रात बस स्टैंड पे खड़े हैं एक घंटे बाद नहीं है वो पच्चीस साल से मिले नहीं है ऊपर hmm. नीचे हाई कोर्ट सब जगह दौड़ गए नहीं मिले पच्चीस साल का केस अभी भी चल रहा है सबसे रीसेंट केस पिछले साल का है एक युवक जिनका नाम मजीद था मजीद जो अभी भी गायब है uh, मज़ेदार बात यह है कि इन सारे केसेस में एक कॉमन फैक्टर है इन सबको इंक्लूडिंग माजिद चूंकि ये बॉर्डर रिलेटेड बॉर्डर से सटा हुआ गांव है गा, तहसील है और ये लोग सारे मुस्लिम हैं गायब होने वाले युवक हैं मुस्लिम युवक और सबकी उम्र लगभग 25 से 30 35 साल है एक कॉमन नैरेटिव है पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट में ये लोग सारे इनफॉर्मर पाकिस्तान से कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी एंटी नेशनल एक्टिविटी सिडिशन वगैरह वगैरह में इन्वॉल्व थे hmm. स्मगलिंग एक एक नरेटिव है ये ये एक कॉमन नरेटिव है अभी इन कॉमन नरेटिव को प्रूफ करने के लिए जो पुलिस के गवाह हैं वो सारे सेम हैं, एक ही परिवार के हैं hmm. पच्चीस साल पहले जिस बंदे ने गवाही दी एक बंदे के गायब होने के समय और उसको ऑलमोस्ट आतंकवादी पासा जो रूल है उसके तहत उसको ऑलमोस्ट लाइक संदिग्ध आतंकवादी संदिग्ध व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं पासा के तहत साबित करने के लिए जिस बंदे, जिस बंदे आदमी ने गवाही दी थी पुलिस की तरफ से पुलिस की तरफ से उसके बेटे ने मजद या उसके पहले वाले केस में एक ही परिवार से गवाही दी है ये है तो पुलिस का ये रोल है इन कंट्रोलिंग स्पेसिफिकली मुस्लिम्स पोस्ट 2002 और अगर जमीन के इश्यूज की बात करें पर्टिकुलरली तो मैं दो केसेस जमीन के केसेस की जो भी और वो भी करंट इश्यूज़ है उसमें बात करना चाहूँगी एक है भावनगर ज़िला सौराष्ट्र का ज़िला है भावनगर के दो हिस्से हैं ज़मीन के अगर आप देखो तो एक में तीन फसली ज़मीन है एक हिस्से में जो थोड़ा कोस्टल सौराष्ट्र की एक और ख़ासियत है कि जो 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है जो इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लंबी कोस्टल लाइन है वो गुजरात में है और वो सौराष्ट्र से होके जाती है तो जायज है कि सौराष्ट्र का एक हिस्सा काफ़ी फर्टाइल है तीन फसली चार फसली ज़मीन है और एक हिस्सा जो कोस्टल नहीं है वो पहाड़ी है वो सूखी है तो जो तीन फसली हिस्सा है उसमें दो तहसील में एक तहसील में बारह गांव है एक तहसील में तेरह गांव है लगभग चार हज़ार किसी में दो हज़ार ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे एकड़ ज़मीन है टेंटेटिवली मैं बता रही हूँ एक में आदित्य बिरला की कंपनी की कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट उनको माइल लाइम माइनिंग करना है सीमेंट कंपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ये महुआ जिला है महुआ तिल तालुका है भावनगर में जहाँ पे किसान जमीन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले साल के लगभग अगस्त से हाईकोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं तो जब वो जमीन पे लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं उसकी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी किस तरह के उल जलूल पुलिस चार्जशीट बनाती है बट जब जमीन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस का क्या रवैया ये समझना जरूरी है भावनगर के एक महुआ और एक बाड़ी पड़वा दो तालुका हैं दो अलग अलग एक भावनगर थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो एक सब्सिडरी है गुजरात थर्मल पावर कॉरपोरेशन उनको जमीन चाहिए वहां पे लिग्नाइट कोल माइन करने के लिए और एक लाइमस्टोन माइनिंग करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को चाहिए आदित्य बिरला कंपनी को दोनों केस में पिछले साल के अगस्त से अभी जनवरी के दो तक चार या पांच बार लाठी चार्ज हो चुका है पचास साठ एक एक मतलब एक एक घटने में एक एक घटने एक एक घटना एक लाठी चार्ज पे पचास साठ टीआर गैस लॉब हो चुका है ठीक है फिर बाद में और क्रिटिकल इंजरी हुई है इंक्लूडिंग लाइक स्कल फ्रैक्चर में इन्वेसिव सर्जरी जरूरत पड़ी है फार्मर्स को जिनको मतलब पैसे नहीं है इलाज कराने के इस मतलब वो सिचुएशन एक अलग कहानी है बट जो मैं आपने चुकी स्टेट मशीनरी की बात की मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूं कि अब ये और कस्टोडियल टॉर्चर भी हुए हैं तो अब जब ये किसान कंप्लेन एफ करना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है ऑब्वियसली एफ नहीं हो पाता है अच्छा। फिर ये कोर्ट का सहारा लेते हैं मजिस्ट्रेट ऑर्डर आता है कि जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आप एफआईआर लीजिए एफआईआर लेती है कोर्ट जवाब मांगती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जो ये खासकर महुआ तालुका की बात करूँ क्योंकि इसका जवाब पिछले हफ्ते ही दिया है पुलिस ने कोर्ट को कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी थी अच्छा। कहने का तात्पर्य ये है पुलिस का किसानों ने खुद ही अपने अपने पर पर हमला, पर हमला, किया। हमला किया तो ये है शुक्रिया दमयंती हमसे बात करने के लिए गांधी के भारत में मोदी जैसे नेता कैसे बन जाते हैं जब गुजरात मॉडल जैसी बातें चलती है ये टूटेंगे कैसे जब दमयंती धर जैसी रि, रिपोर्टरों की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो समस्याएं हमारे भीतर हैं वो मॉडलों में भी हैं शुक्रिया आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक